नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम 2021 को लेकर जो आज की बड़ी अपडेट्स हैं। लगभग सभी यूनिवर्सिटीज की अपडेट आप तक मैं शेयर करने वाला हूं, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, कोटा यूनिवर्सिटी हो, एमजीएससी हो, एमडीएससी हो, जितने भी लगभग इंपॉर्टेंट जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी की अपडेट आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। जो भी नई नई अपडेट्स हैं, क्या क्या उन यूनिवर्सिटीज़ में अब चल रहा है, क्या क्या नए नए चेंजेस अपडेट आए हैं, सारे आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जिस भी यूनिवर्सिटी की अपडेट रह जाती है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में पूरा अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालें, नेक्स्ट वीडियो में आपको उससे संबंधित भी अपडेट मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, ले चलता हूं आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जहां पर सारी अपडेट्स आपको दिखाई देगी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, फटाफट आपको मैं छह सात अपडेट्स हैं सभी यूनिवर्सिटीज की, लगभग जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं सभी की अपडेट एक साथ आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपडेट है ब्रिज विश्वविद्यालय, जो आपका भरतपुर है, महाराजा सूर्यमल ब्रिज विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जिसने कोरोना को देखते हुए पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की है, यानी 70% पाठ्यक्रम में से ही परीक्षा में प्रश्न आएंगे। तो ये पहला प्रदेश का विश्वविद्यालय बन गया है और 2 ही घंटे की परीक्षा होगी। तो सबसे पहले अपडेट ये देखिए आपके सामने है ब्रिज विश्वविद्यालय की, जिसने 30% सिलेबस कम कर दिया है, अब केवल मात्र 70% ही सिलेबस में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 घंटे की आपकी परीक्षा होगी। पूरी अपडेट आप पढ़ सकते हैं, चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं, जो है कोटा विश्वविद्यालय से संबंधित। कोटा विश्वविद्यालय में जो आपके फॉर्म चल रहे थे उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है, और जो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, जो संशोधित आपकी अपडेट्स हैं ये देखिए, 17/3/2021 से 22/4/2021 तक आप हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने की तिथि, और 9/4/2021 से 18/4/2021 तक आप फॉर्म भर पाएंगे। तो दोस्तों ये अपडेट कोटा विश्वविद्यालय से संबंधित है। तो दोस्तों जो जो अपडेट्स आपकी यूनिवर्सिटी से संबंधित आ रही है तो वो अपडेट्स आप देखते रहें और साथ साथ में वीडियो को शेयर और लाइक करते रहें। चलिए नेक्स्ट अपडेट आपके सामने एमडीएसयू की है, जिसने 40% कोर्स कम कर दिया है, परीक्षा आवेदन इनके जल्द ही शुरू होंगे, एमडीएसयू अजमेर यूनिवर्सिटी के। चलिए नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं, जो आज की मुख्य अपडेट्स हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी देखिए दोस्तों आपके सामने कौन सी यूनिवर्सिटी है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, इसमें क्या अपडेट चल रही है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर स्टूडेंट्स के लिए आवश्यक सूचना है कि जो बीए बीकॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के प्रमोट सर्टिफिकेट कॉलेज में मिलने शुरू हो गए हैं, बीएससी बीएड जो पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड है, पार्ट थर्ड है, बीए बीएड उनके भी प्रमोट सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, आप जाकर अपनी जो कॉलेज है उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, कौन सी है आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी से संबंधित अपडेट है, और इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। राजस्थान यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल आ चुका है, यूजी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी आपके बीए बीएससी बीकॉम है उन सभी का यूजी कोर्सेज का टाइम टेबल आ चुका है, तो अपना अपना टाइम टेबल आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मुख्य अपडेट्स हैं आज की यूनिवर्सिटी की। दोस्तों अगर आपकी यूनिवर्सिटी इसमें रह गई है तो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर रखें, नेक्स्ट अपडेट में आपके लिए वीडियो बना दी जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर इस तरह के और नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।